हेलो माय लवलीज, देखिए रिसीव हो चुका है मुझे पार्सल अमेज़ॉन से। और आज जो मैंने मंगवाया है ये मैंने एक्चुअली डेकोर के लिए मंगवाया है, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। पिक में आप देख लीजिए कि मैंने क्या चीज़ मंगवाई है, तो डेफिनेटली आपके लिए वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल भी रहेगा। वैसे तो लोकल मार्केट में हर जगह ये चीज़ अवेलेबल है ही है, ये वाला जो मारीगोल्ड गार्लैंड मैंने परचेज किया है, बट हमारी लोकल मार्केट में थोड़ा सा जो है एक्सपेंसिव साइड पर ही मिल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अमेज़ॉन से एक बार ट्राई करके देखा जाए कि किस तरीके से ये आता है। क्योंकि हमारी लोकल मार्केट में जो मिल रहा था ना, उतना ज़्यादा कलर जो बोलूँ या फिर मैं क्वालिटी बोलूँ, तो उसमें मुझे उतना ज़्यादा पसंद आया नहीं था। तो कुछ इस तरीके से मुझे ये रिसीव हो गया है, एंड ये जो है बिल्कुल ब्राइट येलो कलर का है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है। ये जो गार्लैंड है, मतलब जो माला है, ये पूरी जो है आपके मैंने इसको डेकोरेशन के लिए ही मंगाई है, एंड इसमें आपको सेट ऑफ 4 या सेट ऑफ 5 मिल जाती है। मैं इसको निकाल करके काउंट करके दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये। और ये इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ये कुछ इस तरीके से स्क्वीज़ करके आती है, मतलब पिचका करके भेजी जाती है, क्योंकि एकदम फूली फूली सी तो आपको नहीं भेज सकते हैं, एक तो वो भी इशू हो जाता है, तो शिपिंग के टाइम पे इसको थोड़ा सा पिचका पुचका करके भेज दिया जाता है। बट यस, काफ़ी ईजी है इसको सही से करना। आप इसको निकाल करके इसको एक बार हाथ से ऐसे ऐसे कर देंगे ना, उसको फ्लफ़ी बन जाएगी ये। बिल्कुल, मैं करके दिखाती हूँ। देखिए देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है, बढ़िया सा लग रहा है ये। ये देखिए कुछ ऐसा सा दिख रहा है। अब इसके अंदर कितनी है मिली ये हम चेक कर लेते हैं। ये हो गई एक माला, ये देख लीजिए अच्छी खासी लेंथ की मिल जा रही है, कोई भी छोटी नहीं है। मैं इसको डबल या ट्रिपल करके दिखा दूं जिससे कि ये फ्रेम में आ जाए। डबल एंड ये 4 टाइम्स, देखिए 4 टाइम्स करने पर भी ये फ्रेम में नहीं आ रही है, तो अच्छी खासी लेंथ है इसकी। ठीक, ये एक इतनी लंबी है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ऐसी कितनी हमें मिली है ये हम चेक कर लेते हैं। ये हो गया 1 पीस, सेकेंड पीस, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ओके, 5 हमें इस तरीके के रिसीव हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, लेंथ भी अच्छी है इनकी। आप इनको डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकती हैं, आप इनको अपने पूजा में भी यूज़ कर सकती हैं, मंदिर में। मैंने तो बेसिकली मंदिर के लिए मंगाई है क्योंकि मुझे मंदिर में इसको डेकोरेट करना था। जब मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी तो डेफिनेटली मैं किसी ना किसी शॉट में आपके साथ में शेयर ज़रूर से करूँगी। एंड ये देख लीजिए जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसी पिचकी पिचकी सी लग रही हैं, तो इनको खाली आपको ऐसे ऐसे कर लेना है हाथों से, हल्का सा आप इसको ऐसे करिए। देखिए बिल्कुल फ्लफी फ्लावर बन गया, जैसा कि आपको मार्केट में दिखता है ना, आपके लोकल मार्केट में एकदम फूली फूली सी बिल्कुल वैसी सी लगती हैं। तो ये बिल्कुल उनके पास में भी जब आती हैं तो ऐसी ही आती हैं, एकदम पचकी पुचकी, क्योंकि पैक करने के लिए तो भाई ऐसे ही रखना पड़ेगा ना, इसको छिपका करके रखना पड़ेगा, एकदम फुला फुला के नहीं रख सकते। आपको केवल एक बार इसको हल्के हाथ से ऐसे इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसको इस तरीके से कर देना है, एंड ये पूरी फ्लफी आपकी जो है गार्लैंड तैयार हो जाएगी। बिल्कुल देखने में मारीगोल्ड जैसी लग रही है, एंड यहाँ पर आपको डोरी भी मिल जाएगी, तो आप इसको तोरण के तरीके से, अगर बंधन बार के तरीके से लगाना चाहते हैं तो आप अपने डोर पर भी लगा सकते हैं बंधन बार के तरीके से, या फिर आप इसको डेकोरेशन के लिए लेंथ में वॉल पर टांगना है तो वॉल पे भी आप इसको टांग सकते हैं, जैसे कि दिवाली में मोस्टली डेकोरेशन पे पैटर्न होता है, इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे भी गणेश चतुर्थी आ रही है और राखी आ रही है और बहुत सारे फेस्टिवल्स बैक टू बैक हैं, तो डेकोरेशन के पर्पज से तो चाहिए ही होता है, तो मैंने इसीलिए इसको मंगवाया है। एंड मैं इसको मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ करने वाली हूँ, एक तो मैंने मंदिर के लिए मंगवाया है, मुझे 5 पूरी रिसीव हुई हैं, तो मैं इसको डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करने वाली हूँ। किस तरीके से मैं डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ, बाकी तो आपको मैं शॉर्ट्स में शेयर करूँगी ही पूरी डिटेल में। अगर आपको देखना है, जानना है, तो डेफिनेटली आपके लिए मेरे चैनल पर बने रहना बहुत ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से करके रखेंगे, इसको मैं पीछे हटा दूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से है, और ये मैंने बड़ा सा एक फ्लावर बना दिया है, और इसको इस तरीके से आप अगर रख देंगे और उसके ऊपर में वो जो क्या बोलते हैं दिया होता है, जो छोटा वाला नहीं, जो बैटरी वाला होता है, उसको आप बीच में रख दीजिएगा और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। देख रहे हैं आप कितना बड़ा सा ये बिल्कुल इटसेल्फ एक थाल जैसा बन गया है। इसके ऊपर आप डेकोरेशन के लिए कोई भी छोटे छोटे से डेकोरेशन पीस रख सकते हैं, जो छोटे छोटे से बुद्धा आते हैं या कोई डियर्स आते हैं, जैसे डेकोरेटिव वाले जो छोटे छोटे मिनिएचर्स आते हैं, उनको आप बीच में सजा दीजिए, या फिर आप इसमें दिया रख सकते हैं। हार्ट शेप में आप इसमें जो है रेड कलर के फ्लावर्स लगा सकते हैं, क्योंकि येल्लो रेड बहुत अच्छे से खिल के निकल करके आता है। तो इस तरीके से मल्टीपर्पज़ वे में आप इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं किस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ डेफिनेटली हर एक चीज़ मैं आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर ज़रूर से करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। जल्दी ही मिलूँगी मैं बहुत सारे डेकोरेशन आइडियाज़ लेकर के, जो कि आपके लिए अपकमिंग फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कैसा लगा ये प्रोडक्ट मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।